भारत का विजय रथ जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है और उनका महामुकाबला आज होने वाला है डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड से। बात करेंगे इनके इस संग्राम की और वर्ल्ड कप के इस 29वें मुकाबले के बारे में, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं आपके साथ भास्कर चक्रवर्ती। लखनऊ के एकाना स्टेडियम का वो मैदान है जहां आज अदब से रहने वाले फैंस भारत की जीत के लिए गुहार लगाते हुए नजर आने वाले हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी और भारत की मेजबानी अब तक इंडिया के खेमे के लिए काफी फायदेमंद रही है। सारे खेले मैच हम जीते भी हैं और आज उनका सामना होने वाला है इंग्लैंड से। इंग्लैंड का जो गाड़ी है वो अभी थोड़ी डगमगाती हुई हमें नज़र तो आई है और इतना कि इंग्लिश खिलाड़ी खड़े हैं पॉइंट्स टेबल के 9वें स्थान पे, यानी उनका सफ़र कह लीजिए इस वर्ल्ड कप में समाप्त ही हो गया है। आंकड़ों की ओर रुक करें तो 106 खेले गए वनडे मैचेस में मेन इन ब्लू 57 मुकाबले जीता है और इंग्लैंडी खिलाड़ी 44 मैचेस जीते हैं। वहीं वर्ल्ड कप में इनका मुकाबला हमेशा मज़ेदार ही रहा है। 8 मैचेस जो इनमें हुए थे उनमें इंग्लैंड 4 जीता है और भारत बस 3। भारत की मेज़बानी में इससे पहले हुए मुकाबले यानी 2011 में इनका मुकाबला टाई हुआ था और 2019 में हुए इनके मैच में इंग्लैंड ने 31 रन से बाजी मारी थी। पिच की बात करें तो लखनऊ का एकाना बल्लेबाजों का साथ नहीं छोड़ने वाला है, वहीं पेस गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। टॉस के समय तो पिच के ऊपर बादलों का साया रह सकता है, पर संभावना है कि मैच के समय काली घटा नहीं केवल खिलाड़ियों के बल्ले से रन्स की बरसात हो। अब भारत एक और जीत से बढ़ जाएगा आगे या इंग्लैंड करेगा हमारे खेमे के सपने आधे, कमेंट करके जरूर बताएं आपके विचार। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें जनभावना टाइम्स। नमस्कार।